फ्रेंड्स, नंदनी कुक में आपका स्वागत है। आज मैं पापड़ी चाट बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। एक कप मैदा है, हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। इसमें मैंने मैदा डाल लिया है, तो हम इसमें थोड़ा सा सूजी डालेंगे। ये 3 टेबल स्पून सूजी है, इससे थोड़ा पापड़ी कुरकुरा बनेगा। अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, उसके बाद इसमें 1 चम्मच ऑयल डालते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। इसका बिल्कुल नरम डो तैयार करना है। देखिए, मैंने इसका डो तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगाकर इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं, और अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए, मेरा मैदा ढककर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे बेल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लोई तैयार करते हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। तो हम यहाँ पे मैदा लिए हैं, इसमें इसे डुबोकर हमें बेलना है ताकि ये चिपके नहीं। देखिए, मैंने इसे बिल्कुल पतला बेल लिया है। अब हम इसे गोल काट लेंगे। पूरी तलते टाइम ये फूल ना जाए, इसीलिए हम एक फोर्क की मदद से इसमें छेद कर देते हैं। प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने पापड़ी को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे ऑयल में तलेंगे। पापड़ी को तलने के लिए हम सबसे पहले ऑयल गर्म करते हैं। देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें एक एक करके पापड़ी को डालेंगे। अब हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करते हैं। देखिए, हमारा दोनों तरफ से गोल्डन हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम बाकी पूरियों को भी इसी तरह से तल लेंगे। अब हम इस पापड़ी चाट को सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्लेट लेकर इसके ऊपर इस पापड़ी को इस तरह से डेकोरेट करते हैं। अब हम इसके ऊपर ये बॉइल्ड आलू है, उसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसके ऊपर ये ग्रीन चटनी डालेंगे। ग्रीन चटनी के बाद अब हम इसमें ये इमली की चटनी डालेंगे। ये मीठी वाली चटनी है। इसके बाद हम इसके ऊपर प्याज डाल देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर मिर्च डालेंगे।
दही डालते हैं। अब हमें इसके ऊपर काला नमक डालना है ताकि इसका टेस्ट अच्छा है। फिर लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद आमचूर पाउडर, उसके बाद इसके ऊपर हम धनिया पत्ती से डेकोरेट करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में इसके ऊपर सेव डाल देते हैं। तो देखिए हमारी पापड़ी चाट बिल्कुल तैयार है। इसे हम इस तरह से सर्व करेंगे। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।